जानकारी है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, राजीव गौड़ जुड़ गए हमारे साथ और साथ ही बीकानेर से संजय भी जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कल जनता कर्फ्यू था, लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, बहुत कम लोग देखने को मिले थे जब कल हमने बात की थी। आज किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और क्या दूध ब्रेड जैसी सुविधा जो है, जो जरूरत की चीज है, वो लोगों को मिल पा रही है आराम से? देखिए, लॉकडाउन से पहले बात करनी होगी कोरोना की। कल एक पॉजिटिव आया था और एक पॉजिटिव पाली से जोधपुर में, दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है और उसके अलावा 17 सैंपल और कराए गए, उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मगर जो पॉजिटिव आया उसके चाचा चाची की रिपोर्ट आनी बाकी है। पूरा मेडिकल प्रशासन और जो जिला प्रशासन नजर रखे हुए, ये तो हुई बात कोरोना को लेकर के नियंत्रण की। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ जिस तरीके से दुकानें बंद हैं, हम जालौरी के भीतरी इलाके के अंदर हैं जहाँ पे लोगों ने दुकानें अपनी बंद रखी है। आप देखिए कतारबद्ध भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा इस मेडिकल की जो दुकानें हैं वो खुली है, जो दूध है ब्रेड है वो दुकानें खुली है। हालांकि जैसे किराना है प्रोविजन को भी इससे छूट दी गई, लेकिन आगे देखिए मंदिर है, मंदिर को भी खोल दिया गया। तो ऐसे में खतरा बरकरार रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है, किसी को अगर वायरस है वो आगे फैल सकता है। मंदिर को जिस तरीके से खोला गया, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी है, लोगों को समझाइश करने की ज़रूरत है कि इससे उन्हीं को नुकसान है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम है और अगर कोरोना का वायरस निकल गया तो कई लोग चपेट में आ सकते हैं और लॉकडाउन के चलते तमाम जो पुलिस राजीव, तो कहीं ना कहीं जो आपके पीछे की तस्वीरें दिख रही है वो डराने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा हलचल दिख रही है, काफी ज्यादा लोग आपके पीछे दिख रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजमेर से भी जुड़ गए, लेकिन पहले आप रुख करना चाहूंगी संजय, आप किस प्रकार की तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग कितना सीरियस नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर? संजय जी, बिल्कुल जिस तरह से कल जनता कर्फ्यू था और आज लॉकडाउन है, तो हम अभी जो बीकानेर का केएम रोड है वहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में कैमरा पर्सन गुलाम रसूल आपको दिखाएंगे। हालांकि जो दुकानें हैं वो बंद है, इसके साथ ही जो लोग हालांकि घरों से निकल रहे हैं लेकिन आवश्यक काम होने पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात है और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछ भी रहे हैं कि वो किस काम से बाहर निकले हैं, अगर आवश्यक काम हो तो ही उन्हें वहाँ से निकलने दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात जाए जो आवश्यक सेवाएं हैं वो यहां पर भी चालू है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सब्जी मंडी है जो यहां पर खुली हुई है, मेडिकल स्टोर है वो खुला हुआ है। इसके साथ ही जो दूध डेयरी और है वहां पर भी जो लोगों को जो आवश्यक जो चीजें हैं वो मिल रही है, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो दिनचर्या की जो रोजाना दिनचर्या में जो चीजें काम आने वाली है उनके लिए लोगों को परेशानी का सामना है वो ना करना पड़े। इसके साथ ही देख पा रहे होंगे कुछ लोग हैं जो हालांकि सड़क पर जो चहल पहल है वो नजर आ रही है, लेकिन कम यहाँ पर, क्योंकि ये केएम रोड है, ये व्यस्त मार्ग है, यहाँ रहता है। लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे सुबह का समय है, लेकिन इक्के दुक्के लोग हैं वो ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जरूरत है जागरूकता की कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण से ही कोरोना होता है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये तय है कि लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए घर से बाहर निकलते हुए फिलहाल तो दिख रहे हैं। अजमेर से भी हमारे सहयोगी कौशल जुड़े हुए हमारे साथ। कौशल, आप किस प्रकार की तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जरूरत तो इसी बात की कि कम से कम घरों से निकले, कल तो काफी ज्यादा असर देखने को मिला था, आज क्या स्थिति? खुशबू, जहां तक बात हम कर रहे हैं कोरोना से भय के संक्रमण को या कोरोना के संक्रमण को रोकने की, तो फिलहाल मैं खड़ा हूं अजमेर की एक सब्जी मंडी में। यहां पर बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं। आश्चर्य और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार की एडवाइजरी, मेडिकल एडवाइजरी होने के बावजूद यहाँ पर जो लोगों में जागरूकता है वो कम दिखाई दे रही है। अपेक्षाकृत जिस तरीके कहा गया कि 31 मार्च के बाद लॉकडाउन है और इसी के साथ धारा 144 भी लागू है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ देख पा रहे हैं कि 5 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं सब्जी मंडी के अंदर, एक साथ बड़ी संख्या में लोग यहां खड़े हुए हैं और यहां पे सब्जियां खरीदी जा रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि लोगों के घर की जो जरूरत है वो पूरी करना बहुत आवश्यक है, जब तक उनके घर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी आफ्टरऑल कैसे काम चल पाएगा। लोग कुछ इसी सोच के साथ सब्जी मंडी के अंदर यहां पर सब्जी खरीद रहे हैं। यहां पर बाजार में किराना की दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन उन दुकानों की संख्या अगर देखा जाए तो सुबह के हिसाब से अभी कम है। यहां पर कुछ सब्जी विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से क्या इंतजाम यहां पर सुरक्षा के लोगों ने किए हैं, क्या इंतजाम किया आप लोगों ने?
हमने साहब इंतजाम ये किया कि सब्जियों के लिए कि बहुत कम सब्जी आ रही है, सब्जियां कम आ रही हैं और पब्लिक ज़्यादा आ रही है सब्जी खरीदने का, और इसके लिए कोई ना गाड़ी आ रही है सब्जियों की, न कोई आ रही है फल की आ रही है, और पब्लिक एकदम मर रही है सब्जियाँ लेने की। तभी आपने सुना कि पब्लिक तेजी से टूट रही है सब्जी खरीदने के लिए, यहाँ पे कुछ सब्जी खरीदने वाले भी हैं, हम से पूछेंगे। जो बात आप बता रहे हैं कौशल, कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक सिचुएशन तो हो ही जाती है ये सुनकर कि लॉकडाउन हो गया है, कहीं ना कहीं गंभीरता से भी लेने की लेकिन जरूरत है। और जोधपुर से भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव, प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट फिर से सामने आया जहां उन्होंने अपील की कि आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, और कुछ लोग लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है राजीव, वो इसी बात को रही है कि लोग अब ऐसा लग रहा है उनको कि आम दिनचर्या शुरू हो गई है और वैसे ही बैक टू पवेलियन आ गए हैं। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और जो लोग निकल रहे हैं आप देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। कितने सारे लोग जो निकल रहे हैं उनको लेके, देखिए यहाँ पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देखिए मुनादी करा रहे हैं, आप देखिए जो पुलिस थाने की जो पूरी टीम है वो मुनादी करा रहे हैं। आप किस तरीके से मुनादी कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझाइश कर रहे हैं? लोगों को अधिकांश यही समझाइश की जा रही है कि धारा 144 लागू की गई, एहतियात के तौर पे अपने आप को भीड़ का हिस्सा न बनने देवे, और अधिकतम अत्यावश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अधिक से अधिक घर में रहने का प्रयास करें, और मानवता के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पहचाने। पुलिस के भय से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अपने जमीर से सहयोग के लिए आगे आए, और अधिकतम सहयोग यही होगा यदि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सहयोग रहेगा आज की परिस्थिति। खुद भी जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं वो मास्क से लबरेज हैं, लेकिन आप देखिए कि जो लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं, पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि भैया आखिर आपको पता ना आज लॉकडाउन है, फिर आप घर से कैसे निकले? हम सर क्या करें, हम लो क्लास वाले लोग हैं तो हमारे नौकरी के हिसाब से निकलना पड़ता है सेठ के। आपको पता है लॉकडाउन है पूरे कई राज्यों के अंदर, राजस्थान शामिल है उसमें, पर सेठ जी नहीं मानते ना, आप देखेंगे आप दुकान बंद करके जाएंगे वापस घर पे। आपने सुना सेठ जी नहीं मानेंगे, देखिए लोगों को क्या। राजीव, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो यही है। देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं राजीव कि आप अपने घरों में रहिए, कई राज्यों की सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि प्राइवेट नौकरी वालों के पैसे नहीं काटे जाएंगे, जबकि जॉब में जाना नहीं है आपको, लेकिन लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें जॉब में जाना पड़ेगा, सेठ जी नहीं मानेंगे। संजय, आपके पास जो बीकानेर में आप जहां पर मौजूद है वहां भी लोगों की काफी हलचल है, वहां भी लोगों से बात कीजिए, कहां जा रहे हैं, ऐसा क्या जरूरी काम है जो कुछ दिन रुक के नहीं सकते? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरह से लोगों की चहल पहल है वो नज़र आ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को लेकर सीरियस नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से संक्रमण से बढ़ता है, अगर ये संक्रमण हो जाता है उनकी जान पर बनाती है। जिस तरह से लगातार प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो या सरकार हो, वो लगातार इस बात को लेकर अलर्ट है और लोगों को अवेयर है वो किया जा रहा है कि आप ज़रूरी काम होने पर ही घरों से निकले, लेकिन फिर भी लोग हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हालांकि निकल रहे हैं। हालांकि अगर बीकानेर की बात की जाए तो लोग हालांकि कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि इतना क्या आवश्यक कार्य हो रहा है कि ये लोग है वो सड़कों पर है, वो निकलने शुरू हो गए। हालांकि कल अच्छा प्रभाव है वो जनता कर्फ्यू का देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में फिर से जागरूकता की आवश्यकता है कि लोग अपने घरों में रहे और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये सामने ही हमारी सब्जी मंडी भी है, हालांकि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो सब्जी मंडी है वो अब खुली है, जो लोग हैं वो काफी लोग नजर आ रहे हैं। संजय, यहाँ पर काफी लोग नजर आ रहे हैं, पूरी बाजार जो है जैसा होना चाहिए वो वैसा ही दिख रहा, हो सकता है बहुत ज्यादा एक के ऊपर एक लोग ना चढ़े हो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन लोग तो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए कौशल, 144 लागू है, लॉकडाउन हो चुका है, बावजूद उसके ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बिल्कुल बाजारों में चहल पहल सी नजर आ रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ है और ये संक्रमण है, इससे बचना पड़ेगा। कौशल, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल खुशबू, ये देखिए यहाँ पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है,
कि यहाँ पर जो जागरूकता है वो बहुत ज़रूरी है। एक दिन की सख्ती के बाद जिस तरीके से पब्लिक अचानक घरों से निकली और अपने सामान की जो आपूर्ति है उसमें जुट गई, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों के अंदर जो लापरवाही है वो एकदम सामने आ गई है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे, ये भी जानने योग्य बात है कि अब 31 मार्च तक राजस्थान के अंदर लॉकडाउन है। ऐसे हालात को देखते हुए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। से बात कीजिए जो वहां पर सब्जी ले रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए ना, क्या उन्होंने पहले सब्जी नहीं ले ली थी 3-4 दिनों के लिए, या फिर आज जो निकले तो फिर कब निकलेंगे? कुछ उन्हें पता भी है कि ये क्या कुछ हो रहा है, इतनी हलचल दिख रही है, पूछिए। बिना मास्क के भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। यहाँ पर जो लोग हैं सब्जी लेने के लिए आए हैं, कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है और उसके बावजूद जो भीड़ है वो भी यहाँ पर है। हालांकि पुलिस का गश्ती दल यहाँ पर लगातार है, खड़े एक सब्जी वाले के सामने और उससे बात करेंगे। क्या कुछ सावधानी रखी है आपने इसके लिए? रखिए ना सर, पूरी सावधानी है, सब लगा लगा के घूम रहे हैं यहाँ पे। अभी और नहीं होगा तो ला के देना पड़ेंगे उनको मास्क, और सुबह से व्यवस्था बना रखी है, 5 जने से ज़्यादा खड़ा नहीं होने दे रहे। आप यहाँ सब्जी खरीदने आए हो, किस तरह की सावधानी आपने की है और आज क्या जरूरी था कि आज ये जरूरी था कि हमें डिटॉल, सैनिटाइजर ये सभी रखने होंगे। हमारे घर में क्या है कि रूम की जितनी सफाई होगी उतनी होगी। अब हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो हमसे कम से कम 9 या 10 दिन हमें एक ही रूम में रहना है और हमें बाहर भी नहीं निकलना है, और मोदी जी ने जो हमको कहा है उसको हमें फॉलो करना है। इसीलिए हमने ये सोचा कि अभी जितनी भी हमें सब्जी चाहिए, जितनी चाहिए, हमें एक साथ ही हमें अपने घर पे लेके जाना है और सभी काम को अच्छे से करना है। इसीलिए तो अभी आपने सुना कि एक साथ ही इस पूरी सब्जी को लेके जाने की जो बात है वो सामने आ रही है, लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है। इस समय हमारे साथ एक और शख्स खड़े हैं जो शायद सब्जी खरीदने आए हैं। हम इनसे पूछेंगे ऐसी क्या जरूरी था कि एकदम अचानक सुबह ही आना पड़ा सब्जी के लिए? सुबह भाई साहब जरूरत पड़ती है, जो इंसान घर से निकलता है सब्जी लेने के लिए और जरूरतमंद चीजें लेने आए हैं भाई साहब हम यहाँ पे सब्जी मंडी में केसर लंच। धारा 144 लागू है, उसके बाद भी यहाँ पे भीड़ दिख रही है, क्या कुछ सुझाव है आपके? धारा 144 लागू है पर जो जरूरतमंद चीजें हैं भाई साहब वो इंसान लेने आया है यहाँ पे, वो लेके लगातार देखिए हम बातचीत जो कर रहे हैं।